हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये वीडियो है विपाशना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर मैलावली में। मैलावली के बारे में मैं पूरा बताऊंगा, आप बस बने रहिए पूरी वीडियो में। तो ये सबसे पहले इंटरेस्ट यहाँ से शुरू होती है। थोड़ा गेट का मैं बाहर से लेता हूँ बाद में फ़ोटो, क्योंकि अभी आज कोर्स ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले ये राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी कार की पार्किंग, यहाँ पे 50 की कारों के आसपास पार्किंग की जा सकती है। और यहाँ पे ये है रास्ता जो कि डाइनिंग हॉल और लेडीज़ की साइड को जाता है, और इस साइड से रास्ता है जो मेल को जाता है। ये है मेन ऑफिस। ऑफिस का मैं अंदर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाएं, जैसे मेरे दिन फिरे सबके दिन फिर जाएं। तो अभी आज हम आए हैं विपाशना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर में। होशियारपुर में ये मैला वाली गाँव है और यहाँ से होशियारपुर 8 किलोमीटर के आसपास है। तो ऊना रोड में पड़ता है ये, और अगर आप बुक करोगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका ऑनलाइन का जो फॉर्म कैसे फिल कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जब आप बुक कर लेते हो तो उसमें जो मैप का है लोकेशन वहाँ पे डालते हैं, तो आप उसको फॉलो करते भी आ सकते हैं। तो अभी मैं था यहाँ पे सर पर, हम लोग सती पठान के कोर्स के लिए आए थे। 5 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक का कोर्स था, आज ये ख़त्म हो चुका है, हमारा मोन खुला है। तो ये सर मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मैं क्या होता है कि हम बात नहीं कर पाते इस कोर्स में, तो आज मौन खुला। तो इनसे मैं पूछना चाह रहा था, ये लोग ये ना क्या करते हैं कि रात को जब शाम की जो नाश्ता होता है उसमें क्या करते हैं, ये लेते हैं लेमन वाटर पूरा उबाइल करके, इन्होंने बोला। ये बताएंगे अभी इसके बारे में पूरी कहानी, तो फिर मुझे इनसे पता चला इनको कुछ प्रॉब्लम। बताइए सर। ऐसा जी, मैं 2017 में यहाँ कोर्स लगाने आया था, तो उस समय मेरे को यूरिन प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। बढ़ते 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 प्रोस्टेट कैंसर निकल आया। अच्छा। तो प्रोस्टेट कैंसर का मेरा इलाज पहले मैं दिल्ली से भी करवाया, अब चंडीगढ़ से लगातार चल रहा है 2017 से। अच्छा। तो उसमें बाकी तो चलता ही है, जो मेरे को किसी ने ये बताया कि नींबू के टुकड़े काट के कप में रख दो। अच्छा। चाय के कप में, और उबलता उबलता पानी उसमें भी डाल दो, 4-5 मिनट उसको पड़ा रहने दो। अच्छा। उसके बाद पियो, 3 महीने पीने के बाद वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। अच्छा। वो तो ये क्लेम करते हैं कि मीठा छोड़ दो और ये कर लो, ये दो चीज़ें कर लो, दो चीज़ों से कैंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, मीठा छोड़ दो, मीठा और... मीठा बिल्कुल छोड़ दो, और ये नींबू का पानी जो गर्म कप में पाके पियो। अच्छा। तो कैंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा। मीठा मेरे छोड़े हुए 2.5-3 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने। अच्छा। ये मैं 1.5 महीने से ये भी ले रहा हूँ। तो कंटिन्यू सर्दियाँ गर्मियाँ कुछ नहीं देखना सर? नहीं, मैं कुछ नहीं देखता, कुछ तो मुझे ये विपस्सना ने थोड़ी एनर्जी दी है। कुछ भी छोड़ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा। मैं मीठा छोड़ा है, मेरे को दिक्कत नहीं आ रही कोई भी। तो आपको कौन सी स्टेज का कैंसर था सर? अब आप इसको भी समझेंगे क्या है, 2017 में डॉक्टरों ने लिखा था, PGI वालों ने भी और राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली वालों ने भी, स्टेज 4। अच्छा सर। हाई रिस्क। अच्छा। तो मैंने कहा जी कितनी देर जीऊंगा, वो कहते ये तो हम भी नहीं बता सकते। अच्छा। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंसर की। अच्छा। मैं तो जो दवाई खाता हूँ, इलाज होता है, जो मेरी कीमो चल रही है अभी भी। अच्छा। मैं कोर्स में शनिवार को आया था, पिछले को 5 तारीख को, उससे पिछले शनिवार मेरी कीमो हुई थी। अच्छा। ए जो शनिवार आ रहा है अगला, 19 तारीख को आ रहा शायद, 19 को मेरी फिर कीमो होनी है। अच्छा सर, तो आप क्या करते हैं सर वैसे? मैं पुलिस से रिटायर हुआ हूँ जी, मैं SSP रैंक के इक्विवेलेंट रैंक होता है हमारा। अच्छा, कमांडेंट का। अच्छा। 2016 में मैं रिटायर हुआ था। अच्छा। तो पेंशनर हूँ। अच्छा। तो विपस्सना से 2016 में ही मैं जुड़ गया था। अच्छा, नहीं SSP रैंक के मतलब पुलिस, IPS थे आप? IPS नहीं, PPS। PPS थे, पंजाब पुलिस के जो थे। हाँ जी, PPS थे। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। आपका नंबर लेना बनता है। हाँ। मेरा नंबर काम है, मैं अभी मिलता हूँ सर आपसे, मेरा नंबर भी दे दूंगा आपको। हाँ, मुझे काम है अगर आपका। लेकिन मैं सबसे ज्यादा विश्वास जो मेरा अब बढ़ गया वो विपस्सना पे है। अच्छा। सब कुछ छोड़ के ये ही करो बस। तो नहीं फिर पहले आपने कोई किए होंगे गलत काम, रिश्वत ये सब लेते थे कि नहीं लेते? सब कुछ किए हैं जी, अपने मन को दिलासा देने के लिए ये सोच लेते हैं भी चलो कुछ रीजनेबल किए हैं। हाँ। हमारे पुलिस में जब थे तो कहते थे रिश्वत 3 तरह की होती है। अच्छा। एक होती है शुक्राना, किसी का काम किया उसने मर्जी से, चाहे 10 दे दिए चाहे 10,000 दे दिए, वो हो गया शुक्राना। एक होता है इवजाना, कि भैया तेरा मैंने 1,00,000 रुपए का फायदा कर दिया तो आधे आधे कर ले। एक होता है जुर्माना, कि मैं तो तेरे नहीं तो तेरी पिटाई होगी, नहीं तो तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, तो 2 पैसे।
तो मैं शुक्राने तक ही सीमित रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, जो जो मुझे लगता है मैं शुक्राने तक सीमित रहा हूँ। अपने मन को विश्वास दिला देते हैं, दिल के बड़े शुद्ध आदमी हो आप, यहाँ से पता चल गया सच बोल रहे हो। हाँ। आप पूरे विपाशी बन चुके हो अभी इसका मतलब। हाँ, नहीं झूठ बोलने का फायदा भी नहीं कोई। हाँ। झूठ तो इस तपोभूमि में तो झूठ बोल नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप क्या सर मुझे ये बताइए, आप जैसे मेरे को है कि मैं पहले ना बहुत भटका हुआ आदमी था बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि समाज और सोसाइटी बताती है कि पैसा कमाओ ये सब चीज़ें करो और उसी डायरेक्शन में इंसान जाता है, तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि कोई स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी है? मेडिटेशन के बारे में आपने कहाँ से सुना और कैसे आप जुड़े, मतलब कि 10 डेज का आप विपश्यना में जाओ, किसने गाइड किया? देखो, हिंदू परिवार में पैदा हुए, गीता पढ़ते थे, यज्ञ करते थे, पूजा कराते थे, सब कुछ मानते, यही मानते थे कि इसी से ही कल्याण होगा जो होगा, जैसे गुरुजी बताते हैं, गोयनका जी यही बताते हैं ना अपने को। मेरे को 2016 में मेरा एक SHO था कमिक्कर सिंह, लास्ट महीना 20 दिन पहले उसने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। वो मुझे उसका फ़ोन नहीं मिला मुझे, मेरा बहुत अच्छा SHO था, तो रिटायर हो गया था मेरे से पहले, छः साल पहले मेरे से रिटायर हो गया था। मैं मेरे मुझे मिलने आया लुधियाने ऑफिस में, मैं उसके साथ झगड़ा करने लगा, यार तू इतना लागर्ज हो गया, 10-10 दिन 12-12 दिन फ़ोन ही नहीं खोलता। तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं मेडिटेशन पे जाता हूँ जी, वहाँ पर मैं बोल भी नहीं सकता, हमारे फ़ोन बंद होते हैं। अच्छा। तो मैं कहा मैं भी जाना है, कहता कोई बात नहीं आप रिटायर हो जाओ। अच्छा। आपको लेके जाऊँगा जी। मतलब आप इतनी बड़ी अवधि में पोस्ट पे थे, तो आपको मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें सुनी होंगी आपने, है ना, कि मन को शांत करना सुनी थी, लेकिन जो यहाँ पाया वो नहीं सुना था। अच्छा अच्छा। वो अगर ये सुना होता फिर तो मैं शायद जॉब में भी आ जाता। हाँ जी। यहाँ आके पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मिस कर दी हमने। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जितना उसने भी मुझे बताया था। हाँ जी। तो उसको भी मेरे को इतनी डिटेल में नहीं बताया था। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो एक्चुअली रियल स्पिरिचुअलिटी है ना, वो बड़े जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जहाँ जो मैं बोलता हूँ कि बड़े शुद्ध होते हैं लोग, उन्हीं को सही समझ आते हैं। सर आप एग्री करोगे इस बात पे कि जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो जल्दी कैच भी कर लेते हैं और बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जो ऐसे मतलब कम एजुकेटेड है जहाँ थोड़े बोलते हैं उसमें नहीं, इतना जल्दी नहीं कैच कर पाते वो सब चीज़ों को ना। तो चलो सर बड़ा अच्छा लगा, मैं नंबर लूँगा सर आपके। और कोई एक्सपीरियंस सर आप बताइए हमें इस एज में। बढ़िया, बस जी वसना करते रहो, अपनी कमाई करते रहो, फल की इच्छा के बिना ये मत सोचो। गुरुजी बार बार कहते हैं ये मत सोचो, ये पोजीशन मुझे मेरी ये स्टेज आ जाए, ना अपने आप आएंगी। अरे स्टेज तो भागी आएंगी, अब करते जाओ जितनी मेहनत करोगे। अब ये इस कोर्स के बारे में सच्ची बात बताता हूँ मैं कि इससे मैंने बहुत गेन किया है। देखा जी, सती पठान जो एडवांस कोर्स होता है, 3 कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सती पठान कर सकते हो। और सती पठान में क्या है कि इसमें 8 टाइप ऑफ समाधिज होती हैं, जो आप क्यों जब साधना करते हो किसी भी टाइप की, आप कोई भी चाहे मंत्र जाप करते हो, तो आपको कौन कौन सा स्टेशन रास्ते में आएगा उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, कि कहीं फंसना नहीं है, कि ये स्टेशन पहले स्टेशन पे आके भी बहुत मतलब कि फुलफिलमेंट फील होती है, तो उसमें रुकना नहीं है आपको, इसके बारे में बताया हुआ पूरी की पूरी। ये इसलिए सर बता रहे हैं कि इसमें जो है एडवांस लेवल का कुछ सीखने को मिला। तो सर मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कोर विपश्यना का अभ्यास तो मैं घर में भी करता हूँ। अच्छा। कभी कुछ छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। अच्छा। लगभग करता हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पाया, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की सिटिंग, अरे अब तो थकते ही नहीं, बैठे रहो जितनी देर मर्जी। मैं कल देख रहा था शाम को जो प्रवचन गुरुजी ने सुनाया, लगभग 2 घंटे का था, आप कभी फिर देखना, एक रत्ती भर नहीं शरीर हिला उन्हों का, चौंकड़े मार के बैठ गए वो, लास्ट तक वैसे ही बैठे। हम लोग ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं पैर को, ना ना वो हिले ही नहीं। उनका कहना है कि ये जो दर्द होता है ये शरीर का दर्द नहीं है, मन का, ये मन के विकारों का दर्द है। जैसे दर्द विकार दूर होंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा। मैंने यहाँ पाया जी, जो कुछ उन्होंने कहा पाया यहाँ, मैंने बहुत मजा आ गया। ऐसा कोर्स इसके लिए तो मैं बस धन्यवाद ही दे सकता हूँ गुरुजी का। ठीक है सर, तो आप हो कहाँ से सर? मैं ये तो मैं खन्ना रहता हूँ जी। खास खन्ना? हाँ, खन्ना शहर में रहता हूँ। चलो बढ़िया सर। हाँ जी।
ठीक है सर, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा इतना कीमती टाइम देने के लिए। मंगल हो, भला हो आपका। मैम आप ये बताओ, आपने कितने कोर्स किए हैं पूरे? मैंने मेरा ये फोर्थ था, मैंने 10 डेज के 3 पहले कंप्लीट किए यहाँ पे, और ये मेरा जो सती पठाना था वो यहाँ पे फर्स्ट है जी। कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसको इन शब्दों में बताना मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि जो आप फील करते हो ना, वो किसी को बताना मुश्किल होता है। फील है जो, वो बस फील ही है। तो इसके बारे में पता कहाँ से चला था आपको? मेरे ना सर है जो मेरे को पढ़ाते भी थे, उन्होंने बोला था मेरे को कोरोना के। अच्छा, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आप बताइए, हेलो, कितने कोर्स किए हैं आपने? ये मेरा फोर्थ कोर्स सी। अच्छा, इससे पहले मैंने 2003 में सबसे पहला किया था। अच्छा। फिर 2015 में, फिर 16 में। तो आपको गोयनका जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ? नहीं नहीं, नहीं, ये स्क्रीन पे ही हुआ है, लेकिन मन से हमें दर्शन ही दर्शन है उनके। क्या बात है। तो मैम आपने बताया आप जॉब करते हो ना? हाँ, मैं जलंधर में मीरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए स्टेनो काम करती हूँ। कि आपको डिस्क प्रॉब्लम है काफी देर से ना? मुझे बैके की प्रॉब्लम पिछले 20-25 सालों से है। अच्छा। लेकिन मुझे ये करने की लीव इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ ध्यान रहता था कि विपश्यना में जाना है। हाँ, मैंने देखा था आप। हाँ। सेकंड डे में आए थे और बोले थे कि मेरे को नहीं। हाँ। रहना जहाँ मुझे जाना है। हाँ। क्योंकि वो कुछ कम्फर्ट नहीं हो रहा। हाँ। था आपको, तो उसके बारे में बताइए कुछ। शुरू में तो ऐसे मैं शुरू से ही बता दूँ, जर्नी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी। कि 2003 में मैं सबसे पहले यहाँ से आई थी, किसी से सुन के आई थी कि विपश्यना ऐसे मेडिटेशन होती है कोई। हाँ जी। तो दिल्ली गई थी, दिल्ली में मैंने सबसे पहले की थी। अच्छा जी। तो तब मेरी बैकएक की प्रॉब्लम बहुत सीवियर थी, बहुत सीवियर। अच्छा जी। तो तब मुझे इतना मैं ग्रहण नहीं कर पाई, हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस टाइम मेडिटेशन करते हुए। नहीं नहीं, खास करके रात को जब गोयनका जी के डिस्कोर्सेस शुरू होते हैं तो तब तो मतलब ऐसे लगता है कि प्रसाद मिल गया। सारा दिन मेहनत की थी तो रात को प्रसाद मिल गया, ऐसे लगता था। अच्छा। तो जब लास्ट डे हुआ तो सभी के मन बड़े खिड़े हुए, सभी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन फर्स्ट कोर्स में हम इतना उसको ना इतने वर्ड्स नहीं दे पाते अपने एक्सपीरियंस को फर्स्ट कोर्स में। जी जी। तो घर जाके फिर मैं मुझे ये लगा कि मुझे बैकएक की प्रॉब्लम के कारण मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा। तो जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनके लिए थोड़े से रूल्स भी ज़्यादा सख्त होते हैं कि आप इतना बैठे हाँ रूम में नहीं रहना। हाँ, ये वो। हाँ। मेरे माइंड में ये था कि अब मैं आगे नहीं कर पाऊँगी कभी भी कंटिन्यू। स्टार्टिंग भी होता है। हाँ, तो मैंने लेटर लिख के, उस टाइम कोई ईमेल और मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना तो था नहीं। जी जी। तो मैं दिल्ली के जो इनका हेड ऑफिस था वहाँ लेटर लिख के मैंने पूछा कि मुझे ऐसे बैक की प्रॉब्लम है पर मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे आप रिलीव थोड़ी रिलैक्सेशन दें कि मैं रेस्ट कर सकूं बीच बीच में। सही है। लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया रिप्लाई। सेकंड टाइम मैंने सेल्फ एनवेलप, मतलब एनवेल्प डाल दिया टिकटे लगा के कि मुझे आंसर तो रिप्लाई तो आई आए। हाँ। तो उन तब मुझे रिप्लाई आया कि नहीं, आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे तो सभी का डिसिप्लिन टूटेगा। अच्छा, ये 2005-6-7-8 से समझ लीजिए कि मैं विपश्यना कि मुझे इतनी याद आती थी कि वो बहुत अच्छी मेडिटेशन थी, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। पर उनको देखना चाहिए आपको इतनी प्यास है तो वक्त। हाँ, बताती हूँ ना फिर आगे। तो इतने साल बीत गए ध्यान मेरा विपश्यना में। अच्छा जी। मुझे भूल भी रहा था कि मैंने क्या 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 शेड्यूल था तब, क्योंकि तब यूट्यूब नहीं था कि निकाल के देख लें क्या क्या था। तो 2015 में फेसबुक चला रही थी तो अचानक विपश्यना वालों का आ गया, पेज आ गया उनका, समझ लीजिए। वहाँ उन कमेंट्स में जाके मैंने उनको जाके अपना लिख दिया कि ऐसे ऐसे मैं बैके की पेशेंट हूँ, तो मुझे बहुत तमन्ना है कि मैं करूँ, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन दें कि मैं रेस्ट कर सकूँ अपने रूम में जाके, तो मैं आना चाहती हूँ। तो तब मेरी ईमेल पे जैसे भी मतलब कॉरस हुई होगी वहाँ पे आंसर वगैरह हुए होंगे, तो मुझे रिप्लाई आ गया, मेरे ईमेल पे आया था, मुझे याद है कि आपको हम देंगे थोड़ी सी रिलैक्सेशन। हाँ। तो आप आइए। तो मेरे को तो ऐसे लगा मेरी लॉटरी निकल गई। कहाँ पे वो कोर्स? वो फर्स्ट फिर 2015 में मैंने होशियारपुर में यही किया था। हाँ, 2016 में हमने किया था। तो इसके बाद हम भी गुरुजी ने बोला इनको रेस्ट के टाइम ना तंग नहीं करना। मैंने बोला इनको बोला और भी बोलने लगी हमको भी, हम भी नहीं जाएंगे। मैं गुरुजी को पूछो मुझे बीच में ना, अभी माफी चाहते हैं मैम को, रोकना पड़ेगा क्योंकि मैम को कुछ याद आया, फिर उसके बाद फिर से आपसे कंटिन्यू करेंगे। याद नहीं आया, और मैं ये मेरे को इनमें क्वेश्चन में से एक मतलब माइंड में आया कि इतना इनकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है।
कि उन्होंने एक कमेंट किया और उनके कमेंट से इनको रिप्लाई दिया गया, अदरवाइज नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सभी कमेंट चलते रहते हैं, कोई नोट नहीं करता। लेकिन मेरे को, मैंने बीच में से इसीलिए रोका क्योंकि मेरे को कितना अच्छा लगा कि जो कितनी मतलब अवेयर से वो सभी को लेते हैं, लाइट नहीं लेते वो, कोई भी है, कोई नया साधक है जो पुराना है। बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये सुन के कि उन्होंने इनके एक कमेंट पे ही इनको जड़ा वो रिप्लाई दिया। मैम का कहने का मतलब है कि देखो जिनकी प्यास होती है वो कैसे ना कैसे वो है ना अटेंशन जिनकी होती है करने की वो कर लेते हैं, इसीलिए 2003 से 2015 तक मुझे विपश्यना की प्यास ही रही। अच्छा जी, आगे फिर? फिर एक साल में मैंने थोड़ा सा घर जाके करती थी, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम आ जाती थी थोड़ी हेल्थ वाइज ना। अच्छा। हेल्थ इश्यूज हो जाते थे जी। फिर 2016 में मैंने जयपुर जाकर किया। अच्छा। वहाँ मुझे और समझ आई, धीरे धीरे समझ आती है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही फिर मैं घर जाकर थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन घर जाके पता नहीं क्या बात है प्रैक्टिस छूट जाती है, प्लस मेरे हेल्थ इश्यूज जो हो जाते हैं थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। हाँ जी। फिर 2019 के बाद फिर मुझे लगने लगा कि अब मैंने नेक्स्ट शिविर करना है। अच्छा। तो जब मैं 2020 में स्टार्ट में सोच ही रही थी कौन सा सेंटर देखूँ तो इतने में लॉकडाउन लग गया। तो मैंने अपने घर पर बैठ के ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। अच्छा। तो उससे कुछ ऐसे रिजल्ट आने शुरू हुए जो मैं अपने आप नहीं सोच सकती थी कि इसको किसके साथ कनेक्ट करूं। तो वो सभी सारे आंसर मुझे ये सती पथाना सुता में एसटीपी कोर्स में आकर मुझे सभी जवाब मिल गए हैं। क्योंकि थोड़ा सा ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि 3 कोर्सेज 10 डेज कोर्सेज के बाद एसटीपी कोर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमें जब आए थे तब नहीं पता था कि इस कोर्स में क्या बताया जाएगा, जबकि एक्चुअल में क्योंकि सती पठान में पता चलता कि क्या होती हैं 8 तरह की समाधियाँ और इंसान कहाँ पे फंसता है जब वो मेडिटेशन करता है, तो उसको वो उसके जो रास्ते में अड़चन आती है उसको लगता है कि हाँ मेरा काम हो गया, या फिर उसको क्या क्या अड़चन आती है, कैसी कैसी साधना में मतलब कहाँ कहाँ पहुँचेगा, क्या क्या स्टेशन आते हैं, उसके बारे में बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत ही ज़रूरी है करना है। और मैम, और आप क्या एडवाइस दोगे मैम यंगस्टर को या और दुनिया को कि एक बार करना क्यों लाइफ में जरूरी? मैं बोलता हूँ लाइफ में एक बार तो 10 दिन का हर एक इंसान अगर कर पाए तो उनका जीवन में कितना बदलाव आएगा, इसके बारे में बताओ। मतलब फर्स्ट कोर्स में तो आपको ना, आप इतने दुनिया में डूबे हुए होते हो, इतने संसार में अपने काम में अपनी जॉब में अपने बिजनेस में डूबे हुए पड़े होते हो, फर्स्ट कोर्स में आपको थोड़े थोड़े से हिंट्स ही मिलेंगे। हाँ, जिन्होंने पहले थोड़ी सी घर पे बैठ के की हुई है साधना किसी भी टाइप की वो थोड़ा जल्दी कैच कर लेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल ABC से शुरू करना है तो उन्हें पहले कोर्स में तो बस आउटलाइन ही पता चलेगी। हाँ। तो फिर जैसे सेकेंड और थर्ड करेंगे तो फिर थोड़ा 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 आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन STP में आके वो कहते हैं ताले की चाबी। हाँ। वो STP है। हाँ। फोर्थ कोर्स कह सकते हैं इसको। हाँ। 3 कोर्स और एक आपने सेवा दी होनी चाहिए, फिर आप फिर आप कर सकते हो। मोहन, तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हो? कहना कुछ नहीं जी, सेवा 10 डेज ही मांगते हैं। हाँ, 1 ईयर की बोल गए, कोई गल नहीं, अभी भूल गए मैम को, फिर कुछ आया याद फिर से याद नहीं। वो जो इन्होंने अभी बोला ना कि वो भी स्टार्टिंग में कैसे है, मेरी सभी को एडवाइस है अगर वो विपाशना में सीधा जहाँ विपाशना के लिए ना आए, पहले वो घर पे प्रैक्टिस करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीधा ही वो विपाशना सेंटर में आ जाते हैं तो हमको ये लगता है हम कहाँ फंस गए, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। पहले वो घर पे प्रैक्टिस करें, कहीं ना कहीं सीख कर। और मेरे जब भी मैं इस माध्यम से सबको बोलूँगी कि जो जहाँ से शिविर लगा कर जाते हैं ना, वो अपने आस पास में लोगों को ज़रूर बताएं कि वो घर पे प्रैक्टिस शुरू करें, ताकि जो अच्छी चीज़ जो अच्छा रास्ता हमें मिला है ना, वो सभी को मिलना चाहिए। थैंक यू। अभी देखो लोग बोलते हैं कि कितना मुश्किल है करना यार, मैं कैसे बैठूंगा, तो मैम देखो थोड़ा स्पेशल है, इनके लेग्स में दोनों लेग्स चलती नहीं है, फिर भी बैठते हैं। और यहाँ पे सर्वेंट मिलता है आपको, जो भी दम्मा सर्वर होगा उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको लेके जाना, चाहे कोई भी जो करने आता है लेके जाना और लेके आने तक की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको क्या खाना है, A to Z जो रिक्वायरमेंट है वो इनकी फुलफिलमेंट की जाएगी। A to Z मतलब ये नहीं कि मन में जो आए कि मेरे को भी पैग पीना तो पैग ले जाओ, वो नहीं, मतलब साधना के अकॉर्डिंगली जो है कि वो
इनको पूरी मतलब कि वो रिक्वायरमेंट इनकी फुलफिल की जाती है। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा और मैम बताएंगे। इस बारे में एक और फनी सी बात बताऊंगी कि मेरा नेफ्यू एक न्यूजीलैंड में सेटल है, तो उसको किसी ने आके ऐसे ग्रुप में बैठे हुए थे तो किसी ने आके बोला कि क्या वेलियां मार रहे हो, विपश्यना भी करो जिंदगी में एक बार। हाँ जी। तो मेरे नेफ्यू ने बोला कि मेरे बुआ ने करती हैं, जाती हैं कभी कभी इस कोर्स में। हाँ जी। तो सब वो कहते क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे सिंपल मील्स मिलेंगे आपको खाने में ये वो। तो मेरे नेफ्यू ने आगे पूछे बोला कि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता क्या? मैंने कहा वो इतना खिलाते हैं और इतना नरिशिंग फूड देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने में नरिशमेंट चाहिए। हाँ, सात्विक फूड और बहुत हेल्थी। एक्सर्शन होती है करने से, साधना करने से माइंड एग्जर्ट होता है, तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इतना न्यूट्रिशन जो यहाँ मिलता है ना, वो किसी को घर में भी नहीं मिलता। मेरे नहीं पता इतना सात्विक खाना यार। मैं बोलता हूँ, मैं तो मैं इस बार सर्वर था यहाँ पे धम्मा में, तो मैं कुक से ना ज़्यादा यही डिस्कस कर रहा था कि यार हम घरों में खाना बनाते हैं तो तड़का सड़का इतना ऑयल ये सब चीज़ें डालते हैं, फिर भी क्या होता है कि मतलब कि उतना टेस्टी निकल पाता। हाँ, नहीं निकलता तो जहाँ ना तो ना अनियन ना और बिल्कुल भी कम ऑयल में, तब भी इतना टेस्टी फूड, क्योंकि वो श्रद्धा से बनाया हुआ, जिन्होंने साधना की है उन्होंने उसमें आपकी अटेंशन क्या बनाने में, क्या थॉट प्रोसेस, आप क्या थॉट चलते हैं माइंड में जब आप खाना बनाते हो। तो है ना, घरों में क्या होता है लेडीज़ गाने लगा के, अश्लील गाने लगा के सुनते सुनते वीडियो वो चीज़ें बनाती हैं, तो फिर उसमें वो थोड़ी सी तामसिकता आ जाती है। तो अभी नया एक्सपीरियंस लेंगे मैम से। तो इन्होंने क्या 10 दिन के कोर्स किए अभी। आज मैम कहाँ से आई हो आप? सर मैं जलंधर से। अच्छा, जलंधर। आपने एक कोर्स किया बताया ना, तो अभी आप ट्रस्टी हो क्या हो यहाँ, कैसे आए? नहीं ट्रस्टी नहीं, मेरे हस्बैंड सती पठानी लगाने आए, उनको मैं लेने आई हूँ आज। अच्छा अच्छा, देखा तो देखो ऐसी अच्छी वाइफ जो देखो खुद हस्बैंड को लेने भी आए हैं और उनको देखो सपोर्ट भी कर रहे हैं मेडिटेशन करने में। ये वही कर सकता है जिसको एक्चुअली धर्म की समझ हो। धर्म की समझ तो बड़ी बात की बात है, क्योंकि हमें धर्म जब हम बात करते हैं तो हमें ना सबसे पहले देखने को याद आता है यार जो पगमा चोला पहन के भीख मांगते हैं ना। हाँ, तो एक्चुअली लाइफ में जो बोलते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग जिसको होता है कि क्या जीने की सही कला क्या है, जब तक आपने स्पिरिचुअलिटी का कुछ, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान को एक्चुअल में समझ आए कि क्या लाइफ है मैम, उसको सही जीने का तरीका क्या है, उससे सीखा। हाँ, उससे क्या होता है कि आप कैसे बिहेव करते हो अलग से, अगर आप एजुकेशन स्टडी करनी है तो स्टडी कैसे बेटर तरीके से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अभी आप बताइए मैम, 10 दिन का कोर्स आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि उन्होंने पहले लगाया हुआ था, फादर इन लॉ ने भी लगाया हुआ था। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि एक बार लगा के देखो कि अच्छा है ये, तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ कि हम लोग दूसरों के लिए अपनी लाइफ जी रहे हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, तो कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। अपने को जानने के लिए मैंने स्पेशली ये लगाया था कि अपने साथ भी टाइम बिताना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मतलब जैसे मतलब बोलना नहीं है बिल्कुल भी, तो दो पहले दिन बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए कि रात को मेरे अंदर ही दिमाग में अपने जैसे मन से बातें करते हैं ना वो लड़ाई छिड़ गई बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो मैंने हमारे जो आचार्य थे नेक्स्ट डे उनको बोला कि मौन तो हम हो गए हैं बट लेकिन मेरे माइंड में बड़ा रात को ऐसे 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 चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। कहते कोई बात नहीं, अभी आपका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है तो आपको 2 दिन लगेंगे सेटल होने में यहाँ पे। फिर उसके बाद बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। तो मैम अभी मेरी वाइफ को कोई एडवाइस दो आप, क्योंकि क्या होता है हम लोग बैठते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि क्या बुत की तरह बैठे हो, बुत बन के बैठे हुए, तो वो क्या करते हैं हमारे आसपास झाड़ू मारते रहते, जब झाड़ू तो उनको ये मतलब डिस्टर्ब करते कह लो आप उनको, इतना बताने के बावजूद भी ना वो तो क्या एडवाइस देना चाहोगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बींग ह्यूमन टू, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अभी साधना पे आए हो या जुड़े हुए तो इसलिए आपको बताओ उनको। नहीं नहीं नहीं, ये जरूर करना चाहिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानने के लिए और धर्म को जानने के लिए सही तरीके से। ये जो हम पूजा पाठ वगैरह ये सब इसका कोई मतलब नहीं है, है ना, कि पूजा पाठ हम करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ जी, पूजा पाठ का क्या होता है कि मैं कल गुरुजी से भी बात कर रहा था कि मेरी डॉटर मैम, तो मैं उसको जब वो हम लोग करते हैं ना जब मंदिरों में माथा टेकते हैं जहाँ किसी मूर्ति को, तो वो भी हमारे पीछे माथा टेकती है, तो मैं उनको बोला कि बेटा अभी आप 8th तक तो क्या करो कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो, लेकिन 8th के बाद आपको
क्वेश्चनिंग करने आना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों करूं, इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा। ये नहीं कि सोसाइटी ने बता दिया, हमने बता दिया, कल को आप इसी बात पे कि ये चीज अच्छी है और जो मुस्लिम या कोई और धर्म कैसे नहीं करते तो वो चीज गलत है, बिना जाने हुए। तो जानना ज्यादा जरूरी है बिना किसी माने हुए, है ना। तो वो ऐसी चीजें बताता रहता हूँ तो बड़ा अच्छा लगा मैम। चलो मतलब जो भी इनलाइटेड पर्सन आज भी जो होते हैं मैम, अभी आप जितने भी धर्म देखोगे, जो भी सच्ची है ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब कि वो इंसानियत की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, कभी भी वो बांधते नहीं है किसी के बारे में। चलो मैम थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। ये वीडियो यूट्यूब पर डलेगी। लोगों में ये है ना कि धर्म ये है, हिंदू मुस्लिम सिख, दिस इज नॉट धर्म। धर्म ये है कि नेचर, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरा एक पर्पस ये भी है विपसना करने का, कि मैं अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जैसे लोग पढ़ते हैं मैं वैसे नहीं पढ़ना चाहती। मैं उसको ग्रहण करना चाहती हूँ, उसकी डेप्थ तक जाना चाहती हूँ। और ये 100% विपश्यना जो है, ये मुझे अपने धर्म ग्रंथ या कोई भी वेद या कोई भी मुस्लिम का कुछ भी मुझे आर्टिकल मिलेगा पढ़ने को, मैं उसे ग्रहण कर सकूंगी। वरना रट्टाफिकेशन तो आज तक करते आए हैं हम, पाठ करते हैं। मैं जब गुरुवाणी सुनता हूँ, मैं सुबह हमेशा हमारे घर के पास में गुरुद्वारा है, तो मेरे ताया जी के लड़का, तो मैं जब वो शब्द चलते हैं ना, तो मैं उनको ना साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एक्चुअली पूरी गुरुवाणी चाहे कोई ग्रंथ है, उसमें आपको रास्ता बताया हुआ है। यहाँ भी आप बोलोगे मैंने हुशियारपुर बस स्टैंड जाना है, तो उसमें बताया हुआ है कि अगर आप ऐसे चलोगे तो आप हुशियारपुर कैसे पहुँचना है, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चले जी, हम वहाँ पहुँच गए जी, हम अभी यहाँ हुशियारपुर आ गया जी, है ना, बोलो जी ये वो, फिर यहाँ से चले जी, ऐसे वो सारे रास्ते गुनगुनाते रहते हैं कि ये रास्ता है, ऐसे 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 चलने से वहाँ पहुँचा जाता है। चलना तो बताओ यार, चलना कैसे है, स्टेप्स बताते हैं, वो समझ नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये हमारा विपश्यना जो है, ये प्रैक्टिकल है। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रैक्टिकल है। और मेरे को मतलब ये हमारा बोल के हम फिर कुछ गलत बोल रहे हैं, इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सच्ची बात क्या है कि कोई भी ग्रंथ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब ले लो, चाहे हमारी गीता ले लो, इसमें क्या आता है, जो हमारी मना देसी जैसे बोलते हैं ना गीता में, जथा दृष्टि तथा सृष्टि, अगर हम 1 फुट के हैं ना तो गुरु ग्रंथ साहब 1.5 फुट का हो जाएगा। अगर हम 1.5 फुट 2 फुट पे पहुंचेंगे, गुरु ग्रंथ साहब चाहे जो गीता है वो 2.5 फुट की आपको नजर आएगी। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप डेली नई नई चीज़ें उसमें से सीखने को मिलती हैं। इसलिए जो धर्म का रास्ता है ना, बहुत ऊपर पहुँचने के लिए उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हाईएस्ट लेवल की अचीवमेंट आपको, मतलब वो वहाँ पहुँचने के लिए ना, मतलब किसी भी शब्द या दोहे का अर्थ तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो उसकी डेप्थ है ना, वो ग्रहण तभी होगी अगर हमने विपश्यना जैसी या विपश्यना कोई इनलाइटेड गुरु के थ्रू, जिसको कोई भी इनलाइटेड गुरु बिना गति नहीं, जिसको बोला गया, उसका मतलब यही है कि सच्चा गुरु ही जो सही ज्ञान है ना, वही दे पाते हैं। नहीं तो हम क्या ऐसे उलझा देंगे, अगर हम मैं भी कुछ बोलूंगा तो इट मीन्स कि मैं खुद 50% पढ़ा हूं तो मैं आपको 40% या 35% वाला ही बताऊंगा। तो जिसने 100% वाला पढ़ा हुआ है वही पढ़ा बोलो, या जिसने एक्सपीरियंस किया है, है ना। तो आप लाख पानी की बात कर लोगे, H2+ ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, जब तक आप प्यास पिएंगे नहीं तब तक प्यास नहीं बुझ सकती। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान मैंने मेडिटेशन की है घर पे बैठ के, उसके बाद भी 1.5-2 साल करती रही हूँ, तो जिन स्टेप्स में अड़ जाती थी तो मेरे पास कोई गुरुजी नहीं थे। तो यहाँ गुरु की इतनी महिमा है कि इन गुरुजी ने मुझे जो हमारी इस सेशन में जो हुए हैं, तो उन्होंने इतने अच्छी तरह से मुझे गाइड किया है कि मेरे ऐसे कांटे ही निकल गए, गांठे ही खुल गई वाकई। अभी और मैं आगे रास्ते पे जाऊंगी, ये बहुत इनिशियल स्टेप्स हैं, मान लीजिए ये पहला दूसरा स्टेप ही है, अभी तो शिखर पे जाना है। तो गुरु की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, और गुरु हम दुनिया में ढूंढने जाएंगे तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पर्टिकुलर गाइडेंस है, मतलब ये बहुत कीमती चीज है, जितने लोग अपनाएंगे उतना फायदा उठाएंगे। चलो थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय आपने दिया, और थैंक यू मैम आपने भी, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये रास्ता जाता है पगोड़ा की तरफ, पगोड़ा मतलब कि पिरामिड, जो पिरामिड होता है वो ऐसे बनाया होता है। देखो इससे क्या होता है कि नॉर्मल जो वाइब्रेशन है उससे 3 गुना ज़्यादा वाइब्रेशन, जो बेटर जो वाइब्स होती हैं वो 3 गुना ज़्यादा इसके अंदर मिलती हैं।
और इसके अंदर इतनी शांति फील होती है इंसान को। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक एक इंसान के लिए एक पकौड़ा जो सेल होता है वो इशू करते हैं वो कैसा सा होता है, मैं आपको बताता हूँ अंदर जाके। चलिए यहाँ पे ये लिखा रहता है ऐसे सेल नंबर, किस किस को क्या क्या सेल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपने उतारनी है स्लीपर और इसके अंदर रखनी है। यहाँ से आपने जाना अंदर, अंदर जाके आपको ऐसे पहले तो ये रो में देखिए, यहाँ ये है ठीक है। ये कैसे से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक खोल के ये देखिए, इसके अंदर से लाइट नहीं है, दूसरे में बताता हूँ। हाँ इसके अंदर ये देखिए, ये है ऐसी सेल। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, बस इतना सा ही होता है, ये इतना सा। ये देखिए ठीक है, इतना सा होता है, इसमें ठीक है। ये है सेल और ऐसे ही ये पूरे ऐसे सेल इंडिविजुअल सेल होता है एक इंसान का, एक में एक ही बैठ सकते हैं। और इसी तरह इस साइड भी, इसी तरह थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे पूरा इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल। और देखिए इस साइड लेडीज़ के हैं और लेडीज़ के लिए बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक किया रहता है, ये जहाँ से ना डोर लगाया ताकि लेडी साइड कोई ना जा सके। ये पूरी राउंड शेप में है और राउंड शेप में क्या है कि उस साइड ये देखिए पूरा राउंड शेप में और उस साइड लेडीज़ का, लेडीज़ और जेंट्स का कोई भी आपस में यहाँ पे वो नहीं हो सकता। ये है एक नंबर गोयनका जी को जो दिया जाता है, बाकी सब लोगों। थोड़ी वीडियो हिलती हुई बनी होगी, ये है कुछ बाहर से पकौड़ा का, ये इसको पिरामिड बोलते हैं ठीक है, तीन गुना वाइब्स होती हैं इसके अंदर। तो ये था व्यू कुछ पिरामिड का जिसको पकौड़ा बोला जाता है दम्मा में, और इसके आसपास पूरा शांति पूरी ग्रीनरी है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो ये है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ द महल के अंदर, उसके अंदर का मैं आपको पूरा व्यू बताता हूँ। ये मेल साइड के में जाने के लिए इंट्रेस है, यहाँ से इंट्रेस में आपको जो जाली वाले डोर मिल जाएंगे ताकि मच्छर ना आए, और डोर पे वो सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और यहाँ पे ये था नोटिस बोर्ड, यहाँ पे जो भी कार्रवाई होनी उसके बारे में बताया जाता है। ये मेल साइड इंट्रेस है और इसमें इस बार हम थे 20 के आसपास मेल, तो उनमें से भी दो चले गए तो 18 रह गए थे। तो फर्स्ट में मेल बैठते हैं इस साइड, ये देख रहे हो आप यहाँ पे लेडी साइड बैठते हैं। तो जिनको कमर में प्रॉब्लम होती है बैक एक की, उनको ये सपोर्टिंग के लिए दे देते हैं गुरु जी, अलो कर देते हैं और बाकियों को नहीं। और ये है यहाँ से बैठ के गुरु जी ऑपरेट करते हैं, जो कि पूरा कोर्स बनाया हुआ गोयनका जी ने, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में और ऑडियो फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले करके बताते हैं। ये LCD है डिस्कोर्स के लिए, जो शाम को यहाँ पे प्रवचन चलते हैं इसमें। तो ये है धम्मा हाल, जिसमें इसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 150 के आसपास लोग यहाँ पे आराम से बैठ के साधना कर सकते हैं। तो अभी ये है बाहर का रास्ता, और बाहर के रास्ते से जाने से बिल्कुल 50 मीटर से लेके 100 मीटर के बीच में ही मेल की रेजिडेंस शुरू हो जाती है, इसी तरह फीमेल की भी रेजिडेंस शुरू हो जाती है। तो जिनको ज़्यादा दूर नहीं चल सकते जो लोग, वो भी यहाँ पे आके साधना कर सकते हैं। और बिल्कुल शांत माहौल, आसपास गांव भी बिल्कुल दूर है यहाँ से। और देखो ये यहाँ पे इतना अरेंजमेंट है, यहाँ पे ठंडा पानी, गर्म पानी का अरेंजमेंट, और जो वाटर कूलर है और क्या बोलते हैं फिल्टर है, सारी चीज़ें हैं। ये है मिनी दम्मा हाल। मिनी दम्मा हाल में क्या होता है कि जिसको इंग्लिश में प्रवचन सुनने रहते हैं, जो लोग सिर्फ फॉरेन कंट्री के होते हैं, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, कोई और लैंग्वेज, तो उनको फिर जो डिस्कोर्स है वो यहाँ पे करवाया जाता है। और रात का जो 7:30 बजे डिस्कोर्स शुरू होता है, 7:15 से वो यहाँ पे कराया जाता है। तो ये है डाइनिंग हॉल को जाने का रास्ता, मेल साइड से डाइनिंग हॉल को जाने का रास्ता है। इसके बारे में अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बताना है। यहाँ पे गर्मियों के दिनों में चप्पलें खोली जाती हैं और अंदर आप बिना चप्पल के जा सकते हो, और सर्दियों में चप्पल लेकर जाते हैं यहाँ पे वॉश करने के लिए। और ये
आई थिंक दिन होते हुए जो सर्वर लोग थे वो लोग थे, तो आज बने खिचड़ी सैलड और चपाती, इसमें घी लगाया हुआ देसी घी, और इसमें वेजिटेबल्स मिक्स वेज थी और था दाल, और दाल के साथ था राइस आज। तो इस तरह का खाना जो हेल्थी और बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला फूड हमें मिलता है, तो हमेशा खाने की कोई दिक्कत नहीं आती, खाना इतना हेल्थी और टेस्टी होता है। और किचन भी उनका देखो हमारे घरों की तरह साफ़ सुथरा किचन, हमें क्या बोलते हैं घर से भी ज़्यादा साफ़ सुथरा किचन यहाँ पे मिलता है। तो ये है लेडी साइड, और लेडी जैसे खाना खा रही है मेरी मोम खाना खा रहे थे, और ये है डोनेशन का काम चल रहा है, ऑफिस कोर्स आज फिनिश हुआ है, और आज जैसे कोर्स ये सब हुआ था, साथ के साधक हैं, अभी बाद में बात करेंगे इनसे।